आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण अध्ययन, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 9 का, जिसका नाम है भोजन में विविधता। इस वीडियो में हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे कि हमारे प्रदेश में और हमारे राष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस प्रकार भोजन बनता है, किस प्रकार पकाया जाता है। पाठ 9, भोजन में विविधता। मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है और यहाँ सर्दियों में मक्के की रोटी बहुत बनती है। एक बच्ची है, वो कह रही है कि मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ और हमारे यहाँ पे मक्का बहुत उगता है और हमारे यहाँ पे सर्दियों में मक्के की बहुत रोटियाँ बनती है। तो दूसरा बच्चा वो बोल रहा है, हमारे जालौर में बाजरा खूब उगता है, मेरे घर पर बाजरे की रोटी और केर सांगरी की सब्जी ज़्यादा बनती है। तो अपनी कक्षा के अंदर बच्चे अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग जगहों के विशेष व्यंजनों, विशेष भोजन के बारे में बता रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, इसमें हम प्राय रोटी चावल दाल हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं बाजरे की रोटी खाई जाती है। हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उस भोजन में हम हमेशा या तो चावल रोटी दाल हरी सब्जियाँ वगैरह खाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग भोजन खाया जाता है। जैसे कहीं पर गेहूं की रोटी खाई जाती है तो कहीं मक्के की रोटी खाई जाती है और कहीं बाजरे की रोटी खाई जाती है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होने से यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं। यहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती हैं। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, दक्षिण भारत में दाल चावल, इडली सांभर, डोसा, रसम आदि। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति मछली व अन्य समुद्री जीवों को खाते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु है वो अलग अलग है और वहाँ की फसलें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो वहाँ की फसल खाते हैं। जैसे पंजाब में अधिकतर खेती मक्के की होती है और तो वहाँ के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग अधिकतर खाते हैं और दक्षिण भारत में दाल चावल इडली सांभर वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो समुद्र के आसपास या किनारों पे रहते हैं, वे लोग समुद्री जीवों को या मछलियों को खाते हैं। त्यौहार पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, घी, शक्कर या गुड़ आदि। खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। तो हमारे घर में त्यौहारों में या फिर किसी विशेष अवसर पर जो भी पकवान बनते हैं उन्हें बनाने के लिए कच्ची सामग्री यानी मार्केट या बाज़ार से हम जो सामान लाते हैं वो सामग्री, जो कच्ची सामग्री होती है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे हलवा बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए होगी तो हम क्या चीज़ लाएंगे? आटा, घी, शक्कर, गुड़ आदि। और खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर आदि काम में लिए जाते हैं। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। धन्यवाद।